हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लेट्स स्टडी टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, प्रेजेंटेड बाय एसके जैन पीजीटी इंग्लिश जैन बी कटनी एमपी। इन द बिगिनिंग लेट्स सी द फार्मूला ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस। द फार्मूला इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देन द हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब चुनना है इज एम आर में से। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है मेन वर्ब में, जैसे गो है तो गोइंग, हेल्प है तो हेल्पिंग, सिंग तो सिंगिंग, ईट का ईटिंग, ऐसे आईएनजी लगा के वर्ब लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज़ पे कार्य हो रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं और किस पे लगती हैं? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेंगी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे सब्जेक्ट यदि आई है तो एम लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ही या सी या इट या कोई सिंगुलर थर्ड नंबर हो तो हमको इज हेल्पिंग वर्ब लगाना है। वी यू दे या कोई अन्य प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो तो हमको आर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला है। इज एम आर कहाँ लगेगा ये यहाँ टेबल में दिया गया है। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि पर्सन और नंबर क्या होते हैं। पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इंग्लिश ग्रामर में तीन पर्सन होते हैं और नंबर सिंगुलर और प्लूरल में बांटा जाता है। एक वचन जैसे कहते हैं तो सिंगुलर और बहुवचन प्लूरल। कोई चीज़ एक हो तो सिंगुलर, एक से अधिक हो तो प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू। फिर से देख लीजिए, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही या सी या इट इनमें से कोई भी, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे। ये प्रोनाउन इस तरह से इनका डिवीजन किया गया है। इन्हीं के अनुसार इज एम आर वर्ब को हमको लगा इज एम आर को लगाना हेल्पिंग वर्ब को। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। आई एम टेकिंग टी, ही इज वॉशिंग हिज हैंड्स, यू आर हेल्पिंग मी, सी इज वियरिंग अ मास्क, दे आर कॉलिंग हिम, वी आर प्लेइंग हॉकी, राम एंड गोपाल आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वी आर सैनिटाइजिंग अवर रूम। दीज आर द सेंटेंसेस हैविंग अ वर्ब दैट इज हैविंग आई एन जी विद इट एंड द हेल्पिंग वर्ब इज देयर विद आई। वी हैव यूज्ड एम हेल्पिंग वर्ब, विद ही इट इज विद यू इट इज आर। सो ये हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है और इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। अब और समझ लेते हैं, ये टेबल आपको बताती है कि कहाँ पर इज एम आर लगा हुआ है। आई सब्जेक्ट है तो एम हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद वर्ब में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। आई एम टेकिंग टी, ही इज वाटरिंग प्लांट्स, सी इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, इट इज ईटिंग फ्रूट्स, अ वुमन इज सेलिंग टॉयज, we are playing football, you are singing a song, they are buying a wall, my friends are calling me, rahul and deepak are studying english। so in this way we have made five columns: subject, helping verb, main verb plus ing, object, then the full stop। so these are the very simple sentences, affirmative sentence of present continuous tense। नाउ लेट्स सी हाउ वी ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट।
सबसे पहले मैं के लिए हमने आई लिख दिया। अब इसके बाद में हमने देखा कि आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो एम हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में जा रहा हूँ, जाने की क्रिया गोइंग टू मार्केट। आप अखबार पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। मेरी माँ टीवी देख रही है, माई मदर इज़ वॉचिंग टीवी। उसके चाचा कैरम खेल रहे हैं, हिज अंकल इज प्लेइंग कैरम। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। और एग्जांपल देखते हैं, वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। राजीव फल खा रहा है, राजीव इज ईटिंग फ्रूट्स। हम सेब खा रहे हैं, वी आर ईटिंग एप्पल्स। वे यहाँ आ रहे हैं, दे आर कमिंग हियर। लोग मास्क लगा रहे हैं, पीपल आर वियरिंग मास्क। अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं आपके लिए। पहले तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, एक सेंटेंस में बता दे रहा हूँ। प्रीति चाय पी रही है, प्रीति लिख देंगे सबसे पहले सब्जेक्ट को, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी क्योंकि प्रीति सिंगुलर थर्ड पर्सन है। पी रही है, टेकिंग। प्रीति इज टेकिंग टी। एक और देख लेते हैं लास्ट का, बाकी क्या आपको करना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वह जल्दी सोकर उठ रहा है, ही इज गेटिंग अप अर्ली। इस तरह से हमको करना है ट्रांसलेट, इनको आपको करना है। वे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, सब्जेक्ट देखिए, वर्ब देखिए, ऑब्जेक्ट देखिए। इज एमआर में से तय करिए क्या लगाना है। हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, अभिषेक दुकान बंद कर रहा है। मैं पतंग बना रहा हूँ, राहुल और दीपक साथ में बैठ रहे हैं। देखिए कोरोना काल में साथ में नहीं बैठना है, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है। लेकिन ये सेंटेंस एक कोरोना काल का नहीं है, ऐसा समझ के हमको इसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइजेस, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पे जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। इनको जब हमको जब हम बदलेंगे कंटिन्यूस में तो ये किस तरह से हो जाएंगे, ये आपको बताना है। तो जैसे आई सेल फ्रूट्स, तो आई लिखेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एम लग जाता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सेल में आई एन जी लग जाएगा सेलिंग, और उसके बाद फ्रूट्स। ये बदल दिया मैंने, इसी तरह से आपको बाकी बदलना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये देखिए लास्ट में, देखिए मैनी पीपल विजिट द मार्केट ऑन मंडे। यहाँ सबसे पहले मैनी पीपल को लिख देंगे, मैनी पीपल इसमें सब्जेक्ट है। इसके बाद में लिख देंगे हम इसका हेल्पिंग वर्ब आर, मैनी पीपल आर, क्योंकि मैनी पीपल प्लूरल है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फिर विजिट लिखेंगे और उसके बाद में आई एन जी लगा देंगे, विजिटिंग हो गया, विजिटिंग द मार्केट। फिर इसके बाद ऑन संडे वैसे ही लिख देंगे, ऑन मंडे जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमको नेगेटिव बनाना हो तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद जब हम नॉट लिख देंगे, मान लीजिए ऐसे लिख देंगे नॉट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और जब इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इसी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से हटा के आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लिख देंगे यदि, तो वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना रहेगा। जैसे आई एम सेलिंग फ्रूट्स का इंट्रोगेटिव होगा एम आई सेलिंग फ्रूट्स। इसके लिए आपको मेरे ख्याल से अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाएंगे। और यदि फिर भी आपको समझ में ना आए तो बताइएगा, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और एक्सरसाइज के आंसर्स कमेंट में लिखें। टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।